तो दोस्तों फाइनली अजय देवगन, तब्बू, जिमी शेरगिल, शांतनु महेश्वरी और साई मंजरेकर की फिल्म औरों में कहां दम था आज 2 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। मैंने इस फिल्म को देखा और आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म ने अपनी रिलीज डेट 5 जुलाई से बढ़ाकर जो 2 अगस्त कर ली, बहुत अच्छा किया, वरना यह फिल्म जो है बुरी तरह से पिट जाती अगर किल के साथ टक्कर देती और इसका दम निकल जाता, क्योंकि इस फिल्म का नाम है औरों में कहां दम था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब आपकी फिल्म में भी कहां दम था, इसीलिए आपने अच्छा किया कि अपनी फिल्म को सोलो रिलीज किया है और आज एक फिल्म रिलीज हुई है उलझ, उसके साथ आपने टक्कर ली है। फिर भी इस फिल्म को आज अच्छी ओपनिंग हाथ लगी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना कि अंदर क्या देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 1.5 लाइन की स्टोरी को 2.5 घंटे तक खींचने की जो हिमाकत की है डायरेक्टर नीरज पांडे ने, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोगों ने झेला इस फिल्म को। फिल्म का फर्स्ट हाफ मात्र 1 घंटे का है, सेकेंड हाफ 1.5 घंटे का है, जिसे बेवजह लंबा खींचा गया है। सबसे पहले तो इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इरिटेटिंग है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा स्लो मोशन यूज किया गया है, कहानी को इतनी ज्यादा स्लो तरीके से दिखाई गई है और ऊपर से फ्लैशबैक, अजय देवगन साहब अगर खिड़की के पास जा रहे सोच रहे तो फ्लैशबैक, चाय पी रहे तो फ्लैशबैक, चल रहे हैं तो फ्लैशबैक, सो रहे हैं तो फ्लैशबैक, उठ रहे हैं तो फ्लैशबैक, अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा फ्लैशबैक का इस्तेमाल की पूरी फिल्म ही फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ सिर्फ फ्लैशबैक फ्लैशबैक और जो है प्रेजेंट डे को कम और फ्लैशबैक को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। आखिर किस जुर्म की सजा काट रहे हैं अजय देवगन, इसको जानने के लिए आपको फिल्म जो है एक्चुअल में अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, वरना उस एक सीन को दिखाने के लिए 3 तरह की कहानी बनाई गई है जो कि सच नहीं होती है। अगर एक लाइन में कहूं तो यह एक तरह की फिल्म है जहां पर किसी और के जुर्म की सजा, किसी और का इल्जाम अपने सर पर ले लेना अपने यार को बचाने के लिए, ये उसी तरह की कहानी है। इन शॉर्ट में आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आप कहानी पूरी तरह से समझ गए, अगर नहीं समझे हैं तो फिल्म का जो है टिकट ले लीजिए और जाकर के इस फिल्म को देखिए, क्योंकि इस फिल्म को देखना अपने आप में मतलब कि ऐसा है कि बहुत ज्यादा थकाने वाला है, पकाने वाला है, एक तरह की मुंबई की स्लो लोकल कह सकते हैं, जहां लोग आजकल की फिल्मों में फास्ट कटिंग देखना चाहते हैं, फास्ट तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, वही यह फिल्म बहुत ही ज्यादा स्लो है, लंबे लंबे सीन्स है, लंबे लंबे डायलॉग्स दिए गए हैं और जो है कोई जुड़ाव भी महसूस नहीं होता भाई साहब इतनी ज्यादा फ्लैशबैक दिखाने के कारण। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किसी का काम अच्छा नहीं है, अजय देवगन का काम अच्छा है, तब्बू का काम अच्छा है, सभी एक्टर का काम अच्छा है, शांतनु महेश्वरी ने जो अजय देवगन के जवानी का रोल प्ले किया है वो भी उनका काम बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने उसके हाव भाव को अच्छे से पकड़ा है, प्लस इसमें जो साई मंजरेकर है उनका भी काम अच्छा है, जिन्होंने काम किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिल्म की कटिंग और पेसिंग इतनी ज्यादा स्लो रख दी गई है कि फिल्म आपको बोरिंग लगने लगती है, हद से ज्यादा बोरिंग लगने लगती है, जब फिल्म का अंत ही नहीं होता है, अब आपको लगता है आप खत्म हुआ लेकिन एक और नया ट्विस्ट डाल देते हैं तो जाकर के फिल्म खत्म होती है। और इस फिल्म को इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक कहानी है कि अजय देवगन को किस बात की सजा मिलती है, उस बात को जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। गाने वाने हैं वो बहुत अच्छे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं मनोज मुंतशिर साहब के और MM करीम का म्यूजिक अच्छा है, वो ऑस्कर अवार्ड विनर म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन वही गाना जब बार बार आता है ना तो मतलब कि इरिटेट सा करने लगता है, लंबा लंबा गाना और दुखी करने वाला, एक तरह की रोती रोमांटिक फिल्म है यह, सैड रोमांटिक लव स्टोरी वाली फिल्म है जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी रखा गया है, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है और जो है थोड़ा बहुत बचा करके रखा गया है, वो आपके लिए एक सस्पेंस है जिसको आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यह फिल्म अगर 2 घंटे की होती तो इस फिल्म को मैं कहता कि इस फिल्म का ट्रीटमेंट थोड़ा फास्ट है, लेकिन आधे घंटे बेकार है इस फिल्म के, वो किसी तरह से कहीं कहीं से चॉप करके एडिट करके इसको शार्प एडिट करके इसको एक पैकेज बदल देना चाहिए, ताकि यह फिल्म जो है लोगों को समझ में आए अच्छी तरह से और लोगों को पसंद भी आए, लोग बोरियत फील ना करे। तो इस रोतू सैड रोमांटिक लव स्टोरी स्लो लोकल फिल्म को मैं देता हूं 2.5 out of 5 और मेरी तरफ से यह फिल्म आप सभी को तभी रिकमेंडेड है जब आप एक स्लो फिल्म देख सकते हैं, आउटडेटेड फिल्म देख सकते हैं जिसकी कहानी आज के समय में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। यही फिल्म अगर 2001 में आती तो यह फिल्म उस समय के हिसाब से चल जाती, लेकिन आज के समय के हिसाब से इस फिल्म की कहानी जो है सेट नहीं बैठती है, इसलिए इस फिल्म का चलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिल्म में कोई दम नहीं है, औरों में कहां दम था मतलब कि फिल्म में भी कहां दम था।